गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एक्सरसाइज 101। आज हम एक्सरसाइज 101 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, द नंबर ऑफ कैंडल्स प्रोड्यूस्ड बाय अ स्मॉल स्केल फैक्ट्री ऑन द फर्स्ट 5 डेज ऑफ अ वीक आर रिप्रेजेंटेड थ्रू द टेबल गिवन बिलो। हमें जो यहाँ है एक फैक्ट्री में जो कैंडल्स बनाई है 5 दिन तक लगातार, वो अलग अलग हमें 5 डेज तक जो कैंडल्स बनाई है उसका नंबर हमें दिया हुआ है कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। मंडे को कितनी कैंडल्स बनाई? 350। ट्यूसडे को कितनी कैंडल्स बनाई? 500। वेडनेसडे को कितनी कैंडल्स बनाई? 400। थर्सडे को कितनी कैंडल बनाई? 650। एंड फ्राइडे को कितनी कैंडल्स बनाई? 250। इस तरह से हमें बताया है कि 5 दिन तक अलग अलग फैक्ट्रीज में कितनी कैंडल्स बनी हैं। नेक्स्ट, रिप्रेजेंटिंग 100 कैंडल्स बाय ए पिक्चर ऑफ 1 कैंडल, ड्रॉ द पिक्टोग्राफ ऑफ द अबाउ डाटा। हमें 1 कैंडल की पिक्चर्स को 100 के इक्वल मानकर हमें इसका पिक्टोग्राफ बनाना है। देखो, 1 पिक्चर्स को 100 के इक्वल मानना है, यानी कि ये जो हमें डाटा दिया हुआ है इसको हमें किससे डिवाइड करना है? 100 से, क्योंकि क्वेश्चन में हमें 100 की इक्वल दिया है। तो इन सबको हमें किससे डिवाइड करना होगा? 100 से डिवाइड करना होगा, है ना। तो ऐसे हम इसको 100 / 100 करके लिख लेते हैं। जो हमें क्वेश्चन के में जिसकी इक्वल दी हुई होती है उससे हम इसको डिवाइड करते हैं। अब हम 350 को 100 से डिवाइड करेंगे कि 350 को 100 से डिवाइड करने पर क्या आता है। देखो, ये 350 है, 350 को जब हम 100 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 100 × 3 = 300। सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, 5। अब देखो, डिवाइड नहीं होगा, ऊपर भी कोई डिजिट नहीं है, 50 छोटा है, 100 से डिवाइड नहीं होगा। तो पॉइंट लगा के हमने पढ़ा था कि हम कितनी भी जीरो लगा सकते हैं, तो क्या आ जाएगा? 3.5। तो इसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, ये जो क्वेश्चन ठीक है, आ जाएगा 3.5। तो हम इसको उधर लिख लेंगे, 100 से डिवाइड करने पर क्या आएगा? 3.5। तो हम यहाँ लिख लेंगे 3.5। ऐसे ही 500 को 100 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5। 400 को 100 से डिवाइड करने पर क्या आ जाएगा? 4। 650 को डिवाइड करने पर आ जाएगा 6.5। 250 को डिवाइड करने पर आ जाएगा 2.5। अब हमें पिक्टोग्राफ बनाना है। पिक्टोग्राफ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसी एक और टेबल बनेगी। अब जैसे मंडे के सामने हमें कितनी कैंडल्स की पिक्चर बनानी है? 3.5, क्योंकि 3.5 का मतलब क्या होगा कि 3 पिक्चर्स पूरी, एंड 0.5 का मतलब क्या होता है? आधी पिक्चर, यानी कि हाफ पिक्चर। तो मंडे में 3.5 पिक्चर बनेगी, ट्यूजडे में कैंडल्स की 5 पिक्चर बनेगी, वेडनेसडे में 4 पिक्चर बनेगी, थर्सडे में 6.5 पिक्चर्स बनेगी, एंड फ्राइडे में 2.5 पिक्चर्स बनेगी। तो हम इसको नेक्स्ट टेबल में हम इसको लिख लेंगे। तो मंडे में 3.5 पिक्चर्स, तो मंडे में हम 3.5 पिक्चर्स बनाएंगे। ये 3, 1, 2, 3, ये 3 तो कंप्लीट और एक हाफ ऐसे बनेंगी। तो ऐसे मंडे में 3.5 पिक्चर्स बन गई। अब हम ट्यूसडे में देखेंगे कि हमें ट्यूसडे में कितनी पिक्चर बनानी। ये ट्यूसडे में हमें 5 पिक्चर्स बनानी है, तो अब उधर हम 5 पिक्चर्स हम बना, अब ये ट्यूसडे में हम 5 पिक्चर्स बनाएंगे कैंडल्स की। 1, 2, 3, 4 and 5। ऐसे ही हम वेडनेसडे में, अब वेडनेसडे में कितनी पिक्चर्स बनानी है हमें? 4। 1, 2, 3, 4। थर्सडे में 6.5, यानी कि 6 तो पूरी पिक्चर्स बनेगी, 6 पिक्चर्स तो कंप्लीट। और 1 पिक्चर्स 0.5 को मतलब 1 पिक्चर्स हमें आधी बनानी है। नेक्स्ट फ्राइडे में 2.5, यानी कि 2 पिक्चर्स तो कंप्लीट, और 1 पिक्चर हमें हाफ बनानी है। इस तरह से जो है हम पिक्टोग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड।